हाय, क्या आप अपने वही पुराने ड्रेसिंग सेंस से बोल चुके हैं? क्या आप अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आपको अच्छा लगता है आप हमेशा एक ही टाइप के कपड़े पहनते हो? क्या आप इजी वेज जानना चाहते हैं जिससे आप अपने फैशन सेंस को इम्प्रूव कर सकें? तो सब कुछ फ्री में ही लोगे क्या? स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले ये पहचानना कि आपको स्टाइल पसंद कैसा है। आप एक बार अपने वार्डरोब में जाइए, अपने अलमीरा में देखिए, अपने चेस्ट में देखिए आपके पास कैसे क्लोथ्स हैं। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी चॉइस कैसी है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम लोग बार बार एक ही टाइप के आउटफिट्स लेते हैं, जैसे कुछ गर्ल्स बस वेस्टर्न ही लेना प्रेफर करते हैं, कुछ गर्ल्स इंडियन आउटफिट्स लेना ही बहुत प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली वो उनका इंक्लिनेशन है। सो पहले आपको ये पहचानना है कि आपका स्टाइल क्या है, इंडियन, वेस्टर्न, बोहेमियन, ग्रंज, हिपस्टर, जैसा सा भी आपका स्टाइल है आपको पहले वो पहचानना है। एंड देन आपको एक इंस्पिरेशन ढूंढना है जिनका स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है। वो भले ही कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई फिल्म स्टार, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर, कोई इंस्टाग्राम मॉडल, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि किसका स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है और किसके स्टाइल से आपका स्टाइल थोड़ा सा मैच करता है, जिसको देख के आप अपना स्टाइल भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाओगे इन फ्यूचर। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने इंस्पिरेशन को जो आपने ढूंढ लिया है उनको सोली फैशन, उनके लुक्स, उनके आउटफिट चॉइसेस के बेसिस पे ही उनको अपना इंस्पिरेशन बना रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि वो बस अच्छे दिखते हैं इसलिए आप उन्हें फॉलो कर रहे हो या उनमें से इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो, या फिर उनका बॉडी फिजिक बहुत अच्छा है इसलिए आपको लगता है कि नहीं उनका फैशन सेंस अच्छा ही होगा। आपको ठंडे दिमाग से अपनी सारी चॉइसेस में से ये फाइंड करना है कि आपका स्टाइल किससे रेजोनेट, किससे मिलता जुलता है, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सको और अपने स्टाइल को और अच्छा कर सको। नाउ दैट आपने अपने इंस्पिरेशन को ढूंढ लिया है जिनका फैशन सेंस आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको उनके आउटफिट कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा बहुत आपका फिजिक भी उनसे मिलता जुलता है, तो आपको लगता है कि अगर वैसे से ही कपड़े आप डालोगे तो आप पे भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो आपने जब ऐसा अपना इंस्पिरेशन ढूंढ लिया है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको उनके आउटफिट्स को गौर से देखना है। अब उनके सारे आउटफिट्स आपको पसंद नहीं होंगे, आई थिंक 80-90% आपको पसंद आएंगे। उनमें से आपको देखना है जो बेसिक पीसेज हैं जो वो हर बार ही स्टाइल करते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया अदिति राव हैदरी मोस्टली लॉन्ग फ्रंट ओपन जैकेट्स, जो फ्रंट ओपन कुर्ताज होते हैं उनको ओपन करके स्टाइल करती हैं। दीपिका पादुकोण मोस्टली क्रॉप्ड प्लाजोज या चिकनकारी कुर्ता बहुत स्टाइल करती हैं। ऐसे अनुष्का शर्मा भी चिकनकारी कुर्ता बहुत स्टाइल करती हैं। सारा अली खान बहुत कलरफुल आउटफिट स्टाइल करती हैं, कलरफुल कुर्तीज़ या फिर कलरफुल स्कर्ट्स, एक कलरफुल जैकेट। शिल्पा शेट्टी साड़ीज बहुत स्टाइल करती हैं, सोनम कपूर साड़ीज एंड थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक बहुत स्टाइल करती हैं। सो ऐसी जो आपने अपना इंस्पिरेशन ढूंढा है आपको उनकी फ़ोटोज़ को गो थ्रू करना है, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आपको मिल जाए, और उनके जो मेजर सेलेक्टिव पीसेज जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं, या फिर आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी, एक सेट ऑफ आउटफिट्स हो जाएंगे जो आपके इंस्पिरेशन पर तो अच्छे लगते ही हैं और जो आपको लगता है कि आप भी स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको अपने क्लॉजेट में जाना है, अपने वार्डरोब को देखना है, अपने चेस्ट को ओपन करना है, अपने अलमीरा को ओपन करना है और उसको अच्छे से थोड़ी देर घूरना है, स्टेयर करना है। जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं आउटफिट्स के, पिक्चर्स के, या आपने जो राइट डाउन किए हैं, जैसे किसी की साड़ी, किसी का चिकन का कुर्ता, किसी का कलरफुल जैकेट, जो आपने आउटफिट्स लिखे हैं, अब आपको अपनी वार्डरोब में से वैसे सिमिलर पीसेस जो आपको लगते हैं मिलते जुलते हैं उन सब स्टाइल से वो आपको निकाल के बाहर रखने हैं। आपको एक अलग फाइल बनाना है उन आउटफिट्स का जो आपको लगता है कि आपके रोल मॉडल या आपके इंस्पिरेशन से थोड़ा बहुत मैच करते हैं, या फिर जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं या फिर जो आपने राइट डाउन किए आउटफिट्स पीसेस उनसे मैच करते हैं, तो आपको वो सारे आउटफिट्स बाहर निकाल के उनका एक फाइल बनाना है। एंड आपको यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि नहीं ये साड़ी तो किसी ने गिफ्ट की थी, ये कुर्ती तो मुझे गिफ्टेड है, ये मुझे पहननी है, लेकिन ये मेरे स्टाइल से मैच नहीं करती। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही आराम से, ध्यान से जो आपका स्टाइल है, जो आपने चूज़ किया है, उससे मैचिंग वाले सारे आउटफिट्स निकाल के बाहर रखने। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कपड़े बच गए जो आपके स्टाइल से मैच नहीं करते हैं वो लिटरली आपको या तो दान कर देने हैं या किसी को दे देने हैं, अपने छोटे भाई बहन को,
बहन को, अगर आप लड़का हो तो भाई को भी दे सकते हो, या फिर किसी नीडी को दे दीजिए अगर किसी को ज़रूरत है तो, क्योंकि वो आपके स्टाइल से मैच नहीं करते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड और स्ट्रॉन्ग हार्टेड होके ये डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आप अपना स्टाइल इम्प्रूव करना चाहते हो तो। हमें लिटरली वो सारे कपड़े जो हमारे स्टाइल से मैच नहीं करते हैं वो हमें निकालने हैं और हमें अपने वार्डरोब से हटा देने, क्योंकि एक्चुअली होता यही है कि हमारा इंक्लिनेशन तो कुछ और स्टाइल की तरफ होता है, लेकिन हमारे वार्डरोब में कुछ पीसेज होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं या जो बहुत कम्फर्टेबल होते हैं, तो बार बार हम उन्हीं आउटफिट्स को पहनते हैं, उन्हीं पीसेस को पहनते हैं, तो फिर हम न्यू कोई स्टाइल को ट्राई नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा पुराने वही एक आउटफिट, वही कुर्ती, जीन्स, वही जैकेट, उन्हीं को चलाते रहते हैं, कि हम थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाते हैं उन आउटफिट से, या फिर हमें लगता है कि ये थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो उस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, उसके लिए हमें वो कपड़े अपने वार्डरोब से बिल्कुल ही हटाने पड़ेंगे। एंड इससे एक और चीज़ होगी बहुत इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली, क्योंकि आप अपने नापसंद वाले कपड़े हटा रहे हो और अपने पसंद वाले कपड़े अलग कर रहे हो, तो आपके पास डेफिनेटली बहुत स्पेस क्रिएट होने वाला है। उससे यूनिवर्स को ये सिग्नल जाएगा कि इनकी ये चॉइस है और इनके पास बहुत स्पेस है, तो इनकी चॉइस को और बढ़ाना चाहिए। सो बेसिकली स्पेस होगा तो आपको वैसे कपड़े और मिलेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही होता है, क्योंकि ये रूल है कि जब हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो वहीं पर कोई न्यू चीज़ आती है। नाउ मोस्टली आप सॉर्टेड हो, नाउ आपने जो कपड़े सिलेक्ट किए हैं आपको वही अपने वार्डरोब में सेट करने हैं और उसी को गो थ्रू होके उनमें देखना है कि कैसे कैसे आप न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो एंड कैसे कैसे और उनमें से न्यू आउटफिट्स बना सकते हो। इसके अलावा जो आपको पॉकेट मनी मिले, अगर आपके पास और थोड़े पैसे हो स्पेंड करने के लिए, तो जैसे आपने पिक्चर्स क्लिक किए हैं और जो पीसेज आपने राइट डाउन किए हैं सिमिलर टू द आउटफिट्स विच योर इंस्पिरेशन हैज़ बिन वेयरिंग, तो वो वाले आउटफिट्स, वो वाले पीसेस आप जाके खरीद सकते हो। आजकल ड्यूप्स मिल जाते हैं, लुक लाइक्स मिल जाते हैं, सो आजकल फैशन बहुत चीप हो गया है। H&M, फॉरएवर वगैरह सरोजनी मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है चीज़ें, तो आजकल बहुत मुश्किल नहीं है किसी का लुक रिक्रिएट करना। ऑल यू नीड इज़ बेसिकली अ चॉइस, आपको पता होना चाहिए कि आप पहनना क्या चाहते हो, तो ऐसे आप न्यू आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो। नाउ आप ऑलमोस्ट रेडी हो, आपका न्यू वार्डरोब ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। अब आपको क्या करना है कि आपके जो इंस्पिरेशन है, जिनको आपने चूज़ किया है, उनके पिक्चर्स में गो थ्रू होइए, उन्होंने जो आउटफिट्स क्रिएट किए हुए हैं वैसे ऑलमोस्ट सेम आप आउटफिट्स क्रिएट कीजिए। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप उनके आउटफिट्स की लिटरली कॉपी कर सकते हो, जैसे दीपिका पादुकोण हमेशा चिकनकारी लॉन्ग कुर्ता के साथ चिकनकारी प्लाजो पहनती हैं क्रॉप्ड, और ऑलमोस्ट वाइट कलर की मोजडीज पहनती हैं, तो आप भी ऐसा कॉपी कर सकते हो अगर आप दीपिका पादुकोण को फॉलो करते हो या जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं उनको। सो ऐसे आप लिटरली सेम आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो अगर आपने वैसे पीसेस अक्यूमुलेट कर लिए हैं या आपके पास वैसे पीसेस हैं तो। और अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं आपको कॉपी करना है, आप उनके आउटफिट से इंस्पायर हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि दीपिका पादुकोण लॉन्ग चिकनकारी कुर्ता के साथ चिकनकारी प्लाजो और मोजरीज पहनती हैं, लेकिन आपको अगर कॉपी नहीं करना तो आप सिंपली एक मोनोक्रोम लुक क्रिएट कर सकते हो उनके लुक से इंस्पायर होके, क्योंकि उनका लुक मोनोक्रोम होता है टोटल वाइट। या फिर आप ये कर सकते हो कि नॉर्मल वाइट कुर्ता, नॉर्मल वाइट पैंट्स या फिर प्लाजोज एंड वाइट मोजरीज की जगह हील्स पहन सकते हो, न्यूड हील्स पहन सकते हो या ट्रांसपेरेंट हील्स पहन सकते हो। बेसिक आइडिया ये है कि हमें किसी का फैशन सेंस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो फॉलो करने की बात आती है तो जब हम अपना वार्डरोब खोलते हैं तो हम वही पुराने पीस को देख के उन्हीं को स्टाइल करके चले जाते हैं, लेकिन जब हम किसी की अगेन फोटोज़ देखते हैं तो हमें लगता है अरे ऐसे कपड़े तो मेरे पास भी हैं, ऐसे मैं भी स्टाइल कर सकती थी, लेकिन जब स्टाइल करने का टाइम आता है तो मैं भूल जाती हूँ। तो अगर आप माइंडफुल होकर किसी के स्टाइल को कॉपी करोगे, एंड कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, सो अगर आप माइंडफुल होके किसी के आउटफिट्स, किसी के फैशन सेंस को कॉपी करोगे या उनसे इंस्पायर होगे, तो धीरे धीरे आपके माइंड में भी वो सेट होने लग जाएंगे आउटफिट क्रिएशंस, और फिर धीरे धीरे आप भी वैसे आउटफिट्स खुद ही स्टाइल करने लग जाओगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि गाइज, अपने बॉडी टाइप को पहचानो, अपनी स्किन टोन को पहचानो और उसे एक्सेप्ट करो। जो भी है सब बहुत अच्छा है। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाओगे तो आपके ऊपर बुरे से बुरा कपड़ा भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ऑलवेज स्माइल करोगे, आप कुछ भी पहनोगे। वहीं पर अगर आप अपने बॉडी टाइप से, अपने कर्व से, अपने स्किन टोन से खुश नहीं हो तो आप 20,000 के कपड़े भी पहन लोगे तो भी आप कभी खुश नहीं होगे, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप रोड पे चलते हुए यही सोचते रहोगे कि पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। सो मेन फोकस शुड ऑलवेज बी
कॉन्फिडेंस। जब हम खुद को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं विद आर फ्लॉज एंड विदाउट आर फ्लॉज, तो हमें एक बहुत ही अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है जो 10 रुपए के आउटफिट को भी 10,000 का बना सकता है, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो 1 लाख के आउटफिट को भी बस 10 रुपए का बना सकता है। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हम सब डिफरेंट हैं एंड हम सभी अपने में परफेक्ट हैं विद आर फ्लॉज विदाउट आर फ्लॉज। तो जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर दुखी रहेंगे, और एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो गाइस, ये थी मेरी 7 चीप स्टाइल टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपना फैशन सेंस इंप्रूव कर सकते हो, अपना ड्रेसिंग स्टाइल इंप्रूव कर सकते हो, और आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बेल बटन, जिससे आपको पता चल सके जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। और ऐसी और टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tanuvela. Thank you so much for watching, and I'll see you really soon in my next video.